नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 9 जुलाई को 36 घंटे के बंद के आह्वान को देखते हुए कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डिप्यूटी कमिश्नर ने अपने आवास पर आपसू कार्यकारी सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने आपसू से 36 घंटे बंद न करने की अपील की और कहा कि ऐसे बंद करने से रोगियों, दिहाड़ी मजदूरों, दुकानदारों और छात्रों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बंद से विकास कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। लंबी बातचीत के बाद अंत में डिप्टी कमिश्नर ने आपसू से एक बार फिर अपील की और कहा कि वो बंद को लेकर एक बार पुनर्विचार जरूर कर ले। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने सुनाया सरकार को अपना दर्द। अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का विरोध किया। अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल, निशी बाप्टिस्ट चर्च काउंसिल और मुख्य क्रिश्चियन संगठनों ने राज्य सरकार से अपील की है कि वो राज्य में अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लागू ना करें। अरुणाचल प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में NBCC के अध्यक्ष जेम्स टेकी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि ये एक्ट ईसाई और अन्य धर्मों के लिए हानिकारक है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक सोसाइटी ने हाल ही में इस एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने के लिए अरुणाचल के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था। Indigenous Faith and Culture Society of Arunachal Pradesh on 2nd of this month, pleading the immediate implementation of Arunachal Pradesh Freedom of Religions Act 1978 and opposing the implementation of multi-sectoral development program schemes in Arunachal Pradesh for minorities, and demanding surrendering or withdrawal of Scheduled Tribe certificate from the Christian community in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ बनाया गया स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। आपदा प्रबंधन विभाग और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आपदा की स्थिति में आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी के साथ स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया है। अरुणाचल प्रदेश अर्थक्वेक जोन के अंदर आता है, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है और शायद इसकी जरूरत भी थी। ये हेल्पलाइन 24 घंटे एक्टिवेट रहेगी। अरुणाचल प्रदेश जो एक अर्थक्वेक जोन में गिना जाता है और यहाँ का वेदर इतना कभी हालत खराब हो जाता है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड और सोइल इरोजन का इंसिडेंट हमेशा होते रहता है। और इसी चीज़ को लेकर अरुणाचल के सरकार के तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से एक स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक बनाया गया है, खोला गया है, जिसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है। और इनका कहना है कि इस SEOC के अंदर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उनको किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होने पर इन लोगों को सूचित किया जाए और डिजास्टर मैनेजमेंट के तरफ से इन लोगों को मदद पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का रिजल्ट इस साल बेहद ही निराशाजनक रहा है। बहुत से छात्र ग्रेजुएशन कोर्स में नहीं हो पाए पास। पिछले साल की तुलना में इस साल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बेहद ही खराब आया है। बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन साइंस और बैचलर इन कॉमर्स में बहुत से छात्र पास नहीं हो पाए हैं। न सिर्फ ऑनर्स बल्कि पास कोर्सेज में भी पास होने वाले छात्रों की संख्या बेहद कम है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सेक्शन ऑफिसर नीच बापू ने बताया कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं, जिनमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस एकेडमी शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर किसी भी छात्र को मार्क्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है तो उनके पास सिर्फ 15 दिन का समय है।
आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश में बढ़ेगा फिल्मों का क्रेज। अरुणाचली फिल्म मेकर तारो चाटुंग ने कहा कि इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाएगा अरुणाचल। आज से करीब 40 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में फिल्में बनना शुरू हुई थी। हालांकि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी स्मार्ट नहीं थी, लेकिन आज अरुणाचल प्रदेश बेहतर टेक्नोलॉजी की सुविधाओं के साथ इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने के लिए सक्षम है। ऐसा कहना है राज्य के सीनियर फिल्म मेकर तारो चाटुंग का। उन्होंने कहा कि राज्य को बढ़ावा देने के लिए क्लासिक फिल्म बनाने पर जोर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य की फिल्म सोसाइटी फिल्म मेकिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा तारो चाटुंग ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपना अनुभव भी बांटा। जो भी लड़का जो भी लड़की टैलेंट है, लेकिन फिल्म को व्हाट इज फिल्म, कैसा फिल्म बनता है, फिल्म बनने से कैसा सक्सेस होगा, फिल्म को एज ए प्रोफेशन लेना है ना, या फिल्म में एक दो बार एक्टिंग करेगा आउट ऑफ शौकिंग, तो ये सब को क्लियरली आप कॉन्सेप्ट नहीं लेके सब लुक रहता है, इसलिए सक्सेस नहीं होगा। आप प्रॉपरली आप या बेसिक एक फिल्म मेकिंग कोर्स का ले लो, या एक डिप्लोमा, या एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में आप एक डिग्री ले लो फिल्म का, या एक सीजन फिल्म मेकर के साथ एक फिल्म बना के देखिए, पूरा आइडिया मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मनाया गया आपातानी जनजाति का मुख्य त्यौहार ड्री फेस्टिवल। आइए जानते हैं इस त्यौहार के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। आपातानी समुदाय का मुख्य त्यौहार ड्री फेस्टिवल जुलाई में मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल जीरो के लोअर सुबनसिरी में पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ भरपूर फसल, शांति और भाईचारे के लिए मनाया जाता है। त्योहार के दौरान नीबू नामक स्थानीय पुजारी बेहतर पैदावार के लिए देवताओं को खुश करने के लिए चार पशु दानिये, तमु, मीति और हर नियांग की बलि चढ़ाते हैं। आपातानी समुदाय के कई व्यंजन होते हैं, लेकिन ड्री टाकू यानी ककड़ी और ड्री ओ यानी चावल और मिलेट बियर इस त्योहार में विशेष तौर पर खाए जाते हैं। साथ ही फेस्टिवल में और भी रंग भरने के लिए पारंपरिक नृत्य दामिंदा का प्रदर्शन भी किया जाता है। एक सीनियर सिटीजन ने ड्री फेस्टिवल का महत्व बताते हुए कहा कि हर आपातानी गांव में इसका मूल अलग होता है, जिसके अनुसार ये सब जगह अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ये ड्री पहला हम लोग का इंडिविजुअल विलेज वाइज में किया था, तो 1967 में ये हम लोग इधर एक सब एक साथ में ला के सेलिब्रेशन 1967 से शुरू किया। आज हम लोग का बड़ा पूजा का दिन है, ड्री फेस्टिवल। पहला से हम लोग का जब से जन्म होते हुए तब से हम लोग बागान को करने करते हों, कुछ अनाज खाने का वजह से खेती वगैरह उसको नुकसान करता है, कोई पूक किरा और डमडम ऐसे होते हुए पानी भी एसिड पानी बोलता है, अच्छा नहीं होता था। ये पूजा करके करने का वजह से दरी पूजा बोल करके पहले से हम लोग ये करते हों। अब कुछ खबर लेते हैं बाहर से।
करकटडुमा स्नेहालय से महिला के गायब होने की सूचना 40 वर्षीय विभा देवी मई 2014 को लावारिस हालत में गाजीपुर इलाके में देखी गई थी, जहां गाजीपुर थाना के पुलिसकर्मी ने स्नेहालय में विभा को जमा करा दिया था। विभा देवी उम्र 40 साल, लखीसराय बिहार की रहने वाली है। बिहार से वे दिल्ली पहुंची अपने रिश्तेदार से मिलने, लेकिन रास्ता भटकने के कारण गाजीपुर इलाके में लावारिस हालत में देखी गई। 10 मई को गाजीपुर थाने की पुलिस ने लावारिस हालत में विभा को स्नेहालय छोड़ दिया और विभा के रिश्तेदारों को सूचना दी कि वो स्नेहालय से विभा को ले जाएं। जब विभा के रिश्तेदार स्नेहालय पहुंचे तो स्नेहालय के द्वारा बताया गया कि विभा वहां से भाग गई थी। सोमवार को विभा के रिश्तेदार विभा के लिए जंतर मंतर पहुंचे और मिथिला राज्य आंदोलनकारियों के साथ बैठकर विभा के लिए आवाज उठाने की मांग की। ईस्टर्न स्काई मीडिया की नज़र विभा के रिश्तेदार पर पड़ी तो विभा की मां ने कहा, आप मीडिया वाले हमारी बेटी को खोज दीजिए। मसलन विभा के मामले पर दिल्ली पुलिस को अविलंब कार्रवाई करते हुए स्नेहालय की भूमिका की जांच कर विभा की बरामदी के लिए उपाय करना चाहिए। जमाई ने 10 तारीख को फोन करा था रात को 10 बजे, जो 11 बजे दिन में आपको बेटी निकल गई है, तो फिर ना उन्होंने मेरे जमाई ना एक महीना तक गांव में ढूंढ रहे थे, जो दिल्ली नहीं गई होगी। हम लोग भी इधर जाए तई देखने लगे दिल्ली में भी, फिर एक महीना दो दिन की बात, मई में निकले थी 10 तारीख को, फिर एक महीने दो दिन के बाद 15 तारीख को उनकी बड़ैया स्टेशन में पुलिस गए फोटो दिखाने, और यहाँ के गाजीपुर वाले दिए थे थाना से, जो वो लेके गया था फोटो वोटो, कहे देखो आपको बीवी है, तो बताए हाँ मेरे बीवी है, और तो कल 16 तारीख को आप बीवी को ले आनो। उन्होंने बोली जब वो सड़ गए थे पुलिस कहते तो कहीं विभा देवी के ला दो, उन्होंने कहती है मैडम थी एक बूढ़ी टाइप के 80 साल के थी, हाँ तो उन्होंने कहती है जो उन्होंने कल 12:30 बजे के लगभग दीवार कूद के भाग गई उन्होंने, हाँ तो वो सर कहे जो तुम थाना में क्यों नहीं फोन करे, कहती है थाने वाले उठाए नहीं। अब बताइए 12:30 बजे की शाम तक थाने वाला फोन नहीं उठाएंगे। मिथिला राज्य की मांग को लेकर अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति ने सोमवार को जंतर मंतर पर उग्र प्रदर्शन किया। भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमको मिथिला राज्य चाहिए, इस नारे से जंतर मंतर गूंज उठा और आवाज संसद भवन तक पहुंची या नहीं ये मिथिला क्षेत्र से चुनकर आए सांसद ही बता पाएंगे। बिहार में भोजपुरी क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र की भाषा, भेष और भूषा में काफी अंतर है, जिस कारण आज दोनों क्षेत्र के लोगों में आपसी सामंजस्यता नहीं हो पाती है और विकास भी भोजपुरी इलाके तक ही सीमित रह गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मिथिला राज्य के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से मांग की कि मिथिला राज्य जो कभी देश हुआ करता था उसे राज्य के लिए प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है, अतः मिथिला राज्य का निर्माण अविलंब हो। समिति के प्रोफेसर अमरेंद्र झा ने बताया कि आने वाले दिनों में मिथिला राज्य के लिए तेलंगाना से भी ज्यादा हिंसक आंदोलन होगा और उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी दिल्ली को रोक कर रख देंगे। ये लड़ाई हमारी जो है लड़ाई बहुत पुरानी है, 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने मिथिला राज्य के मांग को इसीलिए खारिज किया जो मैथिली संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। 2003 में एनडीए के सरकार में मैथिली संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त कर लिया, उसके बाद संवैधानिक रूप से मिथिला राज्य का मार्ग प्रशस्त हो गया और मिथिला राज्य के अंदर में पढ़ने वाले जो विभाग हैं और वो ग्रियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे है, पूरे देश के अंदर में ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे किया जिसमें 6 प्रमंडल अभी वर्तमान मिथिलांचल के और 1 प्रमंडल झारखंड के, 22 जिला एग्जिस्टिंग बिहार का और 6 जिला हम लोग झारखंड का मांग कर रहे हैं। नया दौर पार्टी ने जंतर मंतर पर शुरू किया भूख हड़ताल। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजीव छिब्बर ने कहा, उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ है यह हड़ताल। नया दौर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव छिब्बर ने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार और दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे कि राजनीति अध्यात्म है और हमारी पार्टी का सिद्धांत है स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। आज देश में महिला असुरक्षित है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होते जा रहा है, वहीं अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। देश में
ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां मजदूर, गरीब और आम जनता आरामदायक जीवन जी सके। वहीं छिब्बर ने कहा कि हालत और हालात दोनों बदलेंगे, लेकिन जरूरत है एक सकारात्मक पहल की। हम बहुत परेशान हैं कि इस देश में लड़कियां मारी जाती हैं और उनके माँ बाप को अरेस्ट कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट, और उनको लाई डिटेक्टर टेस्ट फेस करना पड़ता है। ये हमारे लिए एक बहुत ही गंभीर, हमें लगता है कि ये देश कलयुग से बाहर, कलयुग में ही है, और हम एक चेष्टा कर रहे हैं। हमारी पार्टी में लोग हैं, फ़र्क यही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो जितने हमारे सीमित साधन हैं उससे हम अपना कर्म समझते हैं, क्योंकि आखिरकार राजनीति एक अध्यात्म है। राजनीति पावर के लिए नहीं होती, राजनीति होती है एक आध्यात्मिक चीज़ है, और हम अपना कर्म कर रहे हैं और हर चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं। हम कम क्यों ना हो, पर हमारे पास जैसे आज 50 लोग हैं, आज वर्किंग डे है, हमारा पहला दिन है, हमारे सब लोग काम कर रहे हैं, हमारा एक भी बंदा 500 रुपये लेके नहीं आया यहाँ पे, अपने आप आए हैं, अपने आप खाना खाया, अपने गए हैं, और हम ही हैं इस बार दिल्ली के चुनाव में और बिहार के चुनाव में अगले साल, हम चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। हमारी मांग यही है कि नार्कोस टेस्ट हो, उसमें कोई घोटाला कोई नहीं होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट सही होनी चाहिए। आज पेश होगा मोदी सरकार का पहला रेल बजट, आइए देखते हैं कि क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले रेल बजट में कुछ ऐसी योजनाओं का प्रस्ताव किए जाने की संभावना है जिनसे रेलवे की तस्वीर, रफ्तार और क्षमता में परिवर्तन नजर आएगा। आज रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा लोकसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे को लेकर कल्पना नजर आएगी। रेल बजट में सेमी बुलेट ट्रेन, संरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, राजस्व बढ़ाना, रेलवे में FDI पर संकट और यात्री सुविधा से जुड़े सभी मामलों को ध्यान में रखा जा सकता है। कल से शुरू हुए बजट सत्र में महंगाई को लेकर विपक्ष ने घेरा मोदी सरकार को, लोकसभा राज्यसभा दोनों में हुआ जमकर हंगामा। कल से शुरू हुए बजट सत्र में विपक्ष ने महंगाई और रेल किराया बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा में जोरदार हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भी मुद्दा उठा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। वहीं राज्यसभा में भी महंगाई को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा की गई, साथ ही लोकसभा में कांग्रेस महंगाई पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आई। सेशन कोर्ट ने वकील पल्लवी पुरकायस्थ के हत्यारे सिक्योरिटी गार्ड सज्जाद अहमद मुगल को सुनाई उम्र कैद की सजा। 8 अगस्त 2012 को हुई थी पल्लवी की हत्या। 25 साल की पल्लवी की 8 अगस्त 2012 की रात मुंबई के वडाला में उनके फ्लैट में सज्जाद ने रेप करने में असफल रहने के बाद हत्या कर दी थी। 23 साल के सज्जाद को हत्या, छेड़छाड़ और बिना इजाजत के घर में प्रवेश का दोषी पाया गया था। इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने सज्जाद को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत कोर्ट पर दिया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शरीयत कोर्ट को सिर्फ राय देने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि शरीयत कोर्ट को कानूनी दर्जा हासिल नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि फतवे की कानूनी मान्यता नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने निर्दोष लोगों के खिलाफ शरिया अदालत द्वारा फैसला दिए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि कोई भी धर्म निर्दोष लोगों को सजा की इजाजत नहीं देता। WTA युगल रैंकिंग के अनुसार 5वें पायदान पर पहुंची सानिया मिर्जा। भारत की महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सोमवार को जारी WTA युगल रैंकिंग के अनुसार 5वें पायदान पर है। सानिया अपने करियर में पहली बार शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई है। सानिया ने अब तक 20 WTA युगल खिताब जीते हैं। कलाई की चोट से उबर कर टेनिस में वापसी करने वाली सानिया का इतिहास काफी चुनौतियों भरा रहा है। आज के समाचार अंकों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।